फुलिया कला उपखंड अधिकारी पद पर निर्मा विश्नोई ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर नव नियुक्त उपखंड अधिकारी का तहसीलदार बसंत कुमार पांडे, पुलिस उपाध्यक्ष शाहपुरा करण सिंह, थानाधिकारी दलपत सिंह, नायब तहसीलदार सत्यनारायण लोहार सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा स्वागत किया गया। नवनियुक्त उपखंड अधिकारी निर्मा विश्नोई ने फुलिया कला उपखंड अधिकारी पद भार ग्रहण करते ही राजस्व कर्मियों की बैठक लेकर तहसीलदार एवं विभाग के सभी कर्मचारियों पटवारियों से चर्चा कर परिचय प्राप्त कर विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी ली। उपखंड अधिकारी ने बताया कि शासन की प्राथमिकताओं वाले कार्यों को शीघ्रता से कर लोगों को इसका लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से हर पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, साथ ही जन समस्याओं का त्वरित गति से निराकरण किया जाएगा। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के पदाधिकारी आज अपनी संगठन यात्रा के अवसर पर भीलवाड़ा पहुंचे। इस अवसर पर नागोरी गार्डन स्थित तेरापंथ भवन में आयोजित कार्यक्रम में सानिध्य प्रदान कर रही साध्वी श्री परमयशा जी ने उपस्थित युवाओं को संघ, समाज एवं राष्ट्र हित में कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने कहा कि तेरापंथ युवक परिषद के कार्यकर्ताओं में असीम क्षमता है, वे बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। संगठन यात्रा प्रभारी दिनेश बुरड़ ने युवा शक्ति को संबोधित करते हुए बताया कि मेवाड़ की 21 परिषदों की संगठन यात्रा का आगाज आज भीलवाड़ा से हो रहा है। उन्होंने संगठन के विभिन्न आयामों की विस्तृत जानकारी प्रदान की और साथ ही संगठनात्मक दायित्वों एवं कर्तव्यों से भी अवगत कराया। अभाते यू प्रबुद्ध विचारक मुकेश गुगलिया ने अभोत यू द्वारा आगामी 17 दिसंबर को देश भर में आयोजित किए जा रहे मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव की जानकारी सबके समक्ष रखते हुए भीलवाड़ा में बड़े लक्ष्य के साथ रक्तदान करने का आह्वान किया। संगठन यात्रा सह प्रभारी संदीप हिंगर ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को संगठन से जोड़कर सक्रिय करने की बात कही। अबाते यूप मीडिया सलाहकार अंकुर बोर्दिया ने कहा कि सभी कार्यकर्ता संघ का काम हो को लक्ष्य बनाकर संघ और समाज के हित में समर्पित भाव से कार्य करें। संगठन यात्रा सदस्य अरविंद संकलेचा, पंकज डांगी, राजेश चोपड़ा, भूपेंद्र वागरेचा, कुलदीप मारू सहित गौतम दुग्गड़ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इससे पूर्व प्रारंभ में मंगलाचरण एवं दीपांशु जाबक द्वारा विजय गीत के संगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। श्रेष्ठ कार्यकर्ता निर्मल गोखरू ने श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन किया। तेयू उपाध्यक्ष कमलेश सिरोया ने सभी का स्वागत करते हुए शाखा की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। तेरापंथी सभा अध्यक्ष जसराज चौड़िया ने सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए परिषद को हर प्रकार का सहयोग देने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन तेयूप मंत्री राजू कर्णावट ने किया। अंत में आभार उपाध्यक्ष प्रदीप आचलिया ने व्यक्त किया। इस अवसर पर सभी मंत्री योगेश चांदलिया, तेयूप उपाध्यक्ष सुमित नाहर, सह मंत्री आनंदराज सिंघवी, संगठन मंत्री दिनेश राका, ADTC प्रभारी अमित मेहता, MBDD प्रभारी नरेंद्र नाहर, सुनील हिंगर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आचार्य महाश्रमण जी की युवा सेना अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद, जिसके अंतर्गत आज यह भीलवाड़ा परिषद और एक विशेष लक्ष्य के साथ में अबाते यू की संगठन यात्रा यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद एक आध्यात्मिक संस्था है लेकिन मानव सेवा के काम में भी सिरमौर है, अनेकों कार्य करती हैं और मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव जैसा कार्य में 2012 में 1 लाख के करीब यूनिट किया और 2014 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज कराया। उसके साथ साथ अभी 2022 में हम लोगों ने 1.5 लाख यूनिट का एक लक्ष्य रखा है और 2000 से भी अधिक कैंप पूरे भारतवर्ष में होने वाले हैं। उसी तरह भीलवाड़ा में भी एक विशेष रूप से 2000 ब्लड यूनिट एकत्रित करने का एक लक्ष्य रखा है और शानदार 5 से 7 कैंप भीलवाड़ा में भी होने वाले हैं। हमारे भीलवाड़ा तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष भाई कमलेश जी के नेतृत्व में यह कार्य होगा और ऐसा हम लक्ष्य बना रहे हैं कि पूरे मेवाड़ की यह यात्रा आज 21 परिषद की यात्रा हो रही है। गांधी मजदूर सेवालय में भीलवाड़ा जिला इंटक की नवनियुक्त कार्यकारिणी की प्रथम बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष दीपक व्यास ने किया। इस अवसर पर सभी नवनियुक्त कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राजस्थान इंटक के सलाहकार एडवोकेट सुरेश श्रीमाली ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में पूर्व में श्रमिकों की एकता के कारण ही इंटक को राजस्थान कांग्रेस में प्रतिनिधित्व मिलता था, उसी संगठन की आज वापस जरूरत है। जिला अध्यक्ष दीपक व्यास ने बैठक में प्रस्ताव लिया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए मजदूरों की तनख्वाह एवं उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए आंदोलन करने का प्रस्ताव लिया और गुलाबपुरा मिल के श्रमिकों का भी समायोजन के लिए इस बैठक में प्रस्ताव लिया गया। साथ ही श्रम विभाग के साथ सामंजस्य बिठाते हुए मानधन योजना में श्रमिकों को लाभ दिलाने का भी बैठक में प्रस्ताव लिया गया। बैठक को संरक्षक कैलाश व्यास ने संबोधित करते हुए कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में मजदूरों का वेतन वर्तमान हालत में बढ़ती महंगाई के सामने कुछ भी नहीं है, इसे बढ़वाने की जरूरत बताई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र जैन
चयन आदि ने संबोधित किया। साथ ही श्रमिकों की सदस्यता एवं संख्या बल बढ़ाने पर भी जोर दिया। बिजली निगम इंटक अध्यक्ष पुरुषोत्तम दत्त शर्मा ने कहा कि संगठन को फील्ड में जाकर लोगों को जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। महिला इंटक प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रीति शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कन्यालाल शर्मा, भैरू सिंह टाक, राधेश्याम जी शर्मा, पोस्टल विभाग रामेश्वर जी खटीक, अविविनिल राजकुमार जोशी, चित्तौड़ के जिला इंटक अध्यक्ष बाबूलाल पवार, कृषि उपज मंडी के जहरुद्दीन ने सभा को संबोधित किया और मजदूरों को आ रही समस्याओं के बारे में जिला अध्यक्ष को अवगत कराया, जिस पर जिला अध्यक्ष में सभी समस्याओं के निराकरण कर निदान करने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में बीपीएल श्रमिक संघ के काशीराम गाडरी, हरिप्रकाश जोशी, सत्यनारायण नागर, गोपाल तेली, हेमराज माली, थानमल जिंगर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का धन्यवाद महामंत्री कान सिंह जी ने किया। कार्यकारिणी की प्रत्येक मीटिंग गांधीनगर सेवा में आयोजित की गई और इसमें मीटिंग में निर्णय लिया गया कि कोरोना के बाद महंगाई बहुत बड़ी है, हर उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई बढ़ गई लेकिन मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ी है। इसलिए इंटक की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि भीलवाड़ा में श्रमिकों की तनख्वाह में बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरा, ये सुनिश्चित होना चाहिए कि हर मजदूर को लेबर कानून के तहत PF बोनस ग्रेजुटी मिलनी चाहिए, ये भी प्रस्ताव पारित किया। और तीसरा प्रस्ताव ये लिया गया कि सरकार की, राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की श्रमिकों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, तो श्रमिकों को जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए उन योजनाओं का प्रचार प्रसार कर और जो उनको संगठित कर उनका लाभ दिलाने के लिए, जैसे श्रमिक डायरी है, मनधन पेंशन योजना है, ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं। तो HDFC बैंक द्वारा सेंट एंसलम स्कूल परिसर में शनिवार को पौधारोपण किया गया। विद्यालय छात्रों को पेड़ों का महत्व समझाया गया। बैंक अधिकारी अंकुर टंडन मयंक शर्मा एवं विद्यालय प्रधानाचार्य फादर स्टैनी द्वारा छात्रों को पौधों की सुरक्षा का संकल्प दिलाया गया। भाजपा किसान मोर्चा भीलवाड़ा के द्वारा हस्ताक्षर महाअभियान सोपुरा ग्राम में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य व जिला प्रभारी प्रसून शुक्ला, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीना के मुख्य आतिथ्य व भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र गुज्जर के नेतृत्व में कोटड़ी मंडल सोपुरा ग्राम में आयोजित किया गया। जिला प्रभारी प्रसून शुक्ला ने राजस्थान सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि वर्तमान राजस्थान सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार ने केंद्र की चलने वाली किसान हित की योजनाओं को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर केंद्रीय योजनाओं का समुचित लाभ प्रदेश के किसानों को नहीं दिए। आने वाले 2023 के विधानसभा के चुनावों में भीलवाड़ा के किसान इस सरकार को पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विधायक गोपीचंद मीना ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश के किसान पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और कांग्रेस की किसान विरोधी नीतियों का सदैव विरोध करते हुए आने वाले चुनावों में जवाब देने का काम करेगा। जिला अध्यक्ष तेजेंद्र गुज्जर ने संबोधन में कहा कि सरकार के झूठे वादों से किसान आहत है। किसानों के साथ संपूर्ण कर्ज माफी का झूठ बोलकर सत्ता में आई और कांग्रेस सरकार का रवैया किसान हितैषी होता जो कर्ज माफ करते हुए राहत प्रदान करते। बैठक को भाजपा मंडल अध्यक्ष पारोली अशोक शर्मा, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष कन्हैया लाल शर्मा, जिला परिषद सदस्य लादी देवी जाट ने भी संबोधित किया। किसान मोर्चा कोटड़ी मंडल अध्यक्ष भंवर लाल जाट व जिला परिषद सदस्य लादी देवी जाट ने धन्यवाद ज्ञापित किया।